अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड फ्रेंड। इस वीडियो में जो है यूट्यूब के बारे में बताऊंगा, मतलब जो यूट्यूब की अर्निंग होती है उसके बारे में। जैसे कि मैंने पहले इस पर वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, कि आप जो वो चैनल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आज जो हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे कि चैनल तो हमने बना लिया था, ठीक है। तो अब जो अगर हम उसका नेम चेंज करना हो, ठीक है, और जो नेम रखने का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, किस तरह हमारा जो चैनल है वो रैंक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है वो आप अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे, ठीक है, और जिस आईडी से आपने चैनल बनाया उसको लॉगिन कर लेंगे। मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। इसके बाद आप आ जाएंगे यूट्यूब में, और यूट्यूब में आने के बाद, ठीक है, आप आ जाएंगे योर चैनल पर। अच्छा, अभी मेरा जो ये दूसरा चैनल ओपन हुआ है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि इसमें मेरे जो है वो 7 चैनल्स पहले से बने हुए थे, और उसके बाद मैंने जो है वो 8वां जो है इसमें चैनल बना लिया था। तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करके और इसमें जो है स्विच अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमने बनाया था टेस्ट चैनल के नाम से, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर दोबारा यहाँ पे आके आप करेंगे योर चैनल, तो आपका जो टेस्ट चैनल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये सिंपल सा एक चैनल है। अच्छा, मैं आपको जो है वो अपना चैनल भी दिखा देता हूँ न्यू विंडो ओपन करके, ताकि आपको जो है वो आइडिया भी हो जाए कि चैनल जो है वो किस तरह का होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैगगाइड जैसे मैंने टाइप किया तो सबसे टॉप पर जो है वो मेरा ही चैनल आ रहा है, क्योंकि यूनिक नेम है, ठीक है। और जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये होम है, सही है, इसकी वीडियोज़ और आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये इमेज लगी हुई है इस पर, इसके अलावा ये आइकन की इमेज लगी हुई है, नेम आ रहा है। अब आउट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन आ रही है चैनल की, लोकेशन आ रही है, और इसके अलावा जो लिंक आ रहा होता है वो लिंक आ रहे हैं, जो यहाँ पर लिंक आ रहे होते हैं, सही। जो मेरा फेसबुक का पेज है उसका लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फेसबुक का पेज होगा ये ओपन कर देगा, और आपको जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा फेसबुक के पेज पर, ठीक है। आप देख सकते हैं मैगगाइड का जो है मेरा ये पेज है फेसबुक पर, तो ये उस पर उसने जो है रीगाइड कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह का चैनल होता है, और अभी हमारा जो है सिंपल चैनल है। अबाउट में हम जाएँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। और अगर मैं इस चैनल को सर्च भी करूँ तो देख लेते हैं इसकी रैंकिंग कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो अभी तो ये इसमें नहीं आ रहा, मैं इसको जो है फिल्टर करके चैनल करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये नहीं आ रहा, ठीक है, टेस्ट चैनल है लेकिन किसी और का, क्योंकि एक वीडियो अपलोड है, हमारे पास अभी तक जो है वो एक भी वीडियो अपलोड नहीं है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि टेस्ट चैनल जो है अब यहाँ पे कितने सारे चैनल बने हुए हैं टेस्ट चैनल के नाम से, ठीक है। ये एक ही बना हुआ सेम, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और सबसे पहले हमने जो ऊपर देखे चौथा पाँचवा छठा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप जो इस तरह का कोई चैनल का नेम रखेंगे जिस नाम से जो पहले से क्रिएट हैं बहुत सारे चैनल, तो जाहिर सी बात है फिर वो आपका चैनल जो है वो अगर आप पूरा नाम वही टाइप करेंगे तब भी जो आपका चैनल रैंक नहीं कर पाएगा, मुश्किल से रैंक करेगा। उसके लिए फिर आपकी जो वीडियोज़ वगैरह वो अच्छी होनी चाहिए, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लाइक्स वगैरह कमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, तो जो है आपका चैनल जो है रैंक कर पाएगा, वरना रैंक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने इसका नाम रखा था वो टेस्ट चैनल रखा था खाली आप लोगों को बताने के लिए। तो इस वीडियो में आपको पहले ये बताऊँगा कि इस वीडियो का टॉपिक वही है कि हम किस तरह से जो नाम चेंज कर सकते हैं चैनल का, और यूनिक नाम किस तरह से रखें, ठीक है, हमें कैसा लगेगा कि हमें क्या नाम रखना चाहिए। तो ये चैनल जो है मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो है मैं बर्ड्स के हवाले से वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँगा, तो हम जो है वो बर्ड्स से रिलेटेड ही इसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, आप जो पहले जाके यूट्यूब पर आ जाएंगे और यहाँ पे जो आप जो भी चैनल का आप नाम रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बर्ड्स का सर्च करता हूँ और इसको जो है फिल्टर लगा लेता हूँ चैनल पर, तो यहाँ देख सकते हैं कि आप बर्ड्स के नाम से आ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो है बर्ड्स वीडियो करके देख लेते हैं, तो बर्ड्स वीडियो के नाम से भी यहाँ पे जो है वो चैनल आ रहे हैं, ठीक है। ये आ रहा बर्ड्स वीडियो के नाम से, ये रहा बर्ड्स वीडियो के नाम से, ये रहा बर्ड्स वीडियो के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो एक काम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं एक्टिविटी, चेक करते हैं कि इस नाम का आ रहा है या नहीं, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं चैनल। तो बर्ड्स एक्टिविटी के नाम से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैनल जो है वो पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं क्यूट बर्ड्स, ठीक है, क्यूट बर्ड्स एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इस नाम का चैनल नहीं है, सही है, क्यूट बर्ड्स एक्टिविटी के नाम से जो है वो चैनल
नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम और चेक कर लेते हैं नीचे जाके क्यूट किड्स एक्टिविटी है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो चैनल का नाम यूनिक है, तो हम ये अब जो चैनल का नाम रख देंगे क्यूट बर्ड्स एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, चैनल का नेम चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप आ जाएंगे मैनेज वीडियो में, और मैनेज वीडियो में आने के बाद आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे कस्टमाइजेशन में। ठीक है, कस्टमाइजेशन में आने के बाद आप आ जाएंगे बेसिक इन्फो में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल का नेम लिखा हुआ आ रहा है और इसमें पेंसिल आ रही है, यानी कि आप इसको एडिट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर एडिट करते हैं और यहाँ पे जो है उसका नाम रख देते हैं क्यूट बर्ड्स एक्टिविटी। ठीक है, ये हमने जो है चैनल का नाम रख दिया। अच्छा, कोशिश करिएगा, जैसे अभी मैंने एक भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है, ठीक है, और उसका मैंने नाम चेंज कर दिया। ऐसा होता है कभी कभी कि जो है आप वीडियोज़ और अपलोड कर देते हैं, फिर आप सोचते हैं यार चैनल का नेम चेंज होना चाहिए। तो अगर आपका जो चैनल है वो रेटिंग में आ गया है, तो उसके बाद आप नेम चेंज ना करें, क्योंकि फिर आपको उससे जो लॉस हो सकता है, आपके व्यूज़ वगैरह जो है कम हो सकते हैं। तो कोशिश ये करेंगे जब स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं, तो उसके एक दो दिन में अगर आपको नेम समझ में आ जाए तो आप वो नेम रख दें। ठीक है, या फिर नेम पहले से ही सोच कर जो है वही नेम रखें, और अगर बार बार नेम चेंज करते रहेंगे तो ऐसी बात आपकी जो एक तरह से पहचान है चैनल की वो हट जाएगी। अगर किसी बंदे ने आपने कोई वीडियो अपलोड की, वो बंदे को अच्छी लगी उसने, वो नॉर्मली जो लोग चैनल का नेम देख लेते हैं किस चैनल पर अपलोड है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो उसको अगर कोई वीडियो दिख रही होगी तो वो आपके चैनल का नेम ढूंढ रहा होगा, लेकिन आपने नेम चेंज कर दिया होगा, तो वीडियो वहाँ पे मतलब वीडियो तो शो हो रही होगी वो, लेकिन जो है वो चैनल का नेम नहीं आ रहा होगा, जिससे उसको लगेगा कि शायद ये वो वीडियो नहीं है। ठीक है, तो चैनल का नेम जो है आपको स्टार्टिंग में ही सही रखना है, और यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन आती है चैनल की। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रही है डिस्क्रिप्शन आ रही है, जिसमें मैंने सारी जो चैनल के बारे में अपनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम जो इसी को कॉपी कर लेते हैं, सही है, और यहाँ पे जो है हम यही डाल देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताने के लिए यही डाल रहा हूँ, बता देते हैं डेली अपलोड क्यूट बर्ड्स एक्टिविटी, एक्टिविटीज कर देते हैं इसके। ठीक है, तो सही, यहाँ पे आप जो अपना डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना हो, आप जो है दूसरे के चैनल से सर्च करके और नेट से सर्च करके वीलॉग्स वगैरह से उठाकर आप यहाँ पे जो है जो भी चाहें वो टाइप कर सकते हैं। 100 वर्ड्स का होता है ये, अल्फाबेट्स का होता है, सॉरी। ठीक है, 100 नहीं, 1000 अल्फाबेट्स का होता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके चैनल का लिंक आ रहा होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लिंक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है फेसबुक का वगैरह का। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक का है, आप यहाँ पे जो है और भी लिंक दे सकते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, इसके अलावा अगर आपके और चैनल्स हैं तो आप उसके लिंक जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपल ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका टाइटल देंगे और यहाँ पे जो उसका URL टाइप कर देंगे। ठीक है, मुझे अभी नहीं देना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसको करेंगे पब्लिश। जैसे ही आपने पब्लिश किया, उसके बाद जो हम अपने चैनल पर आ रहे थे दोबारा, वर्ड चैनल, तो आप देख सकते हैं कि हमारा इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है, क्यूट बर्ड्स एक्टिविटी हो गया। और अब जो हम इसको यहाँ पर सर्च करके भी देख लेते हैं, मे बी पॉसिबल कि अभी ही ये आ जाए, वैसे तो फौरन नहीं आता, लेकिन फिर भी जो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा चैनल आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अभी तो जो है मुझे अपना चैनल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसको जो हम अगर टूडे करें, टूडे का ऑप्शन हमारे चैनल में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी तो हमारा चैनल नहीं आ रहा, लेकिन जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ टाइम बाद जब हम वीडियो दोबारा इस पर अपलोड करना शुरू कर देंगे तो हमारा चैनल जो है यहाँ पर टॉप पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो है इसकी इसका जो नेम है उसको चेंज कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मैकगाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बाकी इसके अलावा मैं इस पर जो है वो और भी वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा कि आपको जो किस तरह से इमेजेस वगैरह को अपलोड करना है, और फिर वीडियो का जो सही पैटर्न है, किस तरह से उसका टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है और टैग्स देना है, टैग्स किस तरह से आप सर्च करेंगे, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप जो वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।